राजधानी दिल्ली में एक बार फिर खाकी सवालों के घेरे में आ गई है। यहां कल्याणपुरी इलाके से दुकान पर पटाखे बिकने और पुलिस वालों के वहां खड़े होने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले पकड़े पटाखे, फिर खुद ही खड़े होकर उस दुकान पर पटाखे बिकवाए हैं। फिलहाल डीसीपी ने आवश्यक कार्रवाई के लिए जाँच शुरू करवाई है। दरअसल पुलिस ने धनतेरस पर अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले शख्स को 236 किलो पटाखों के साथ गिरफ्तार किया। वाहवाही लूटने के लिए प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी, मगर एक दिन बाद उसी दुकान पर पटाखे बिकने का वीडियो सामने आ गया। यही नहीं, हैरानी की बात ये रही कि जिन कांस्टेबल सचिन और सुभाष ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, वे ही दुकान के पास गिरफ्तार आरोपी के पिता के साथ खड़े होकर सब देख रहे हैं। इससे जाहिर है कि उनकी सहमति से पटाखे बेचे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार की लगातार गाइडलाइंस आ रही थी कि दिल्ली में आतिशबाजी ना बेची जाए, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार आतिशबाजी, और आज 2 दिन बीत जाने के बाद भी जैसे जहरीला हो चुका है पूरा मौसम, अब देखने वाली बात है कि आखिर इतनी आतिशबाजी आई कहाँ से। उसके बाद जबकि दिल्ली पुलिस कई जगह पर पकड़ा भी दिल्ली पुलिस ने, लेकिन जिस प्रकार से कल्याणपुरी का वीडियो वायरल हो रहा है और जिन लोगों का ये वीडियो वायरल हुआ है उनके साथ कुछ पुलिस वाले देखे जा रहे हैं, और वो पुलिस वाले जिन्होंने उनसे 2 दिन पहले पकड़ा, अरेस्ट किया और आतिशबाजी के लिए, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके बावजूद दिवाली वाले दिन वो उन्हीं के साथ नजर आ रहे हैं। तो यह एक जो है सवालिया निशान खड़ा करता है दिल्ली पुलिस पर और प्रशासन पर। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अब दिल्ली की वालों की मांग है, कहीं ना कहीं यह आतिशबाजी कहाँ से आई दिल्ली में, इस पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दुकान से 2 बच्चे पटाखे बेच रहे हैं। 2 बच्चों के अलावा दुकान में एक महिला बैठी है, जबकि काउंटर पर ग्राहकों की काफी भीड़ है। दुकान में पटाखों का ढेर रखा हुआ है और दुकान के पास दोनों कांस्टेबल खड़े हुए हैं।